हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे हम पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन के सेकंड पार्ट देखे थे, जहां पे मैं आप सबको बता दी कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वहां में दो टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, वैसे आज मैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर SSC हुआ या फिर रेलवे हुआ या फिर बैंकिंग हुआ, चाहे आप जैसा भी एग्जाम देने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन आप एक ही आ ही जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये श्योर शॉट क्वेश्चन है। और आज ये क्वेश्चन हमेशा मुझे बच्चे लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 100% गारंटी दिला सकता हूँ कि ये क्वेश्चन हम सबसे इजी वाला मेथड में आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इजी ट्रिक या फिर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और साथ ही साथ अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो उन लोगों को भी पता चल सके कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और वैसे ऐसे ही पहले ही बोला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नए हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पे काम कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ये बेल आइकन का जरूर प्रेस करना, ताकि आप सबको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ बोल के। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। लेकिन जो मैं पढ़ाया था, अब उसे मैं थोड़ा रिपीट करने वाला हूँ। मतलब क्या, यहाँ पे मैं जो पहले दो टाइप का क्वेश्चन कराया था, वो दो टाइप का क्वेश्चन अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बोल दिया था, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे कर लूंगा। उसके बाद हम चलेंगे तीसरा पार्ट पे। तो देखते रहिए, पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ दो चार यहाँ पे मैं ट्रिकी या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम में पूछ चुका है। उसको करने के बाद हम लोग तीसरा टाइप पे चलेंगे। ठीक है, तो आज पहले चलते हैं जो मैं बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन क्या होता है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखना, अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो बोलना। ठीक है, अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मुझे, ये बच्चे लोग बहुत बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा करा लीजिए, कि क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। A is the widow of B. Okay. ये क्वेश्चन है, A is the widow of B. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है A is the widow of B, मैं यहाँ पे फिर से लिख चुका हूँ, इसका मतलब है विडो मतलब क्या, विधवा। विधवा मतलब क्या होता है, फीमेल होता है। मतलब यहाँ पे कौन फीमेल, A फीमेल हुआ। ठीक है, A फीमेल हुआ किसका, B का। मतलब यहाँ पे B हुआ हस्बैंड एंड A हुआ वाइफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी गुजर गया है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ए भी आप कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए इज द विडो ऑफ बी, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको बताना होता है। वैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए इज द विडो ऑफ बी, देन बी एंड सी वर द ओनली चिल्ड्रन ऑफ ई, बी एंड सी वर द ओनली चिल्ड्रन ऑफ ई, देन She is unmarried and is a doctor. She is unmarried and is a doctor. And then D is the granddaughter of E and studies science. Then how is A related to C? या फिर A related to D यहाँ पे दिया हुआ है। तो A is the widow of B, मतलब यहाँ पे मैं directly consider कर सकता हूँ, A is the widow of B, मतलब विधवा किसका, B का। तो A भी हुए husband wife। ठीक है, B and C were the only children of E. B and C were the only children of E, मतलब B और C बच्चे हैं किसका, E का। ठीक है, तब ई इसका, ई बी और सी क्या हुए, भाई बहन हुई या फिर दो भाई हो सकते हैं, एंड ई क्या हुआ, मदर हुआ या फिर फादर हुआ, किसका, बी और सी का, दोनों का। वैसे उसके बाद सी इज अनमेरिड, ये अनमेरिड है एंड डॉक्टर है। अनमेरिड का मतलब यहाँ पे क्यों दिया है, जब मान लीजिए ई का पोता या फिर पोती आएगी तो सी का नहीं आएगी, डायरेक्टली बी का आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए ये अनमेरिड दिया हुआ है, एंड इज ए डॉक्टर, डॉक्टर हो या फिर चपरासी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो चले आगे चलते हैं, D is the granddaughter of E. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है D is the granddaughter of E, मतलब E का जब granddaughter दिया हुआ है तो C का होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे दिया D is the granddaughter of E, मतलब E का granddaughter, मतलब ये भी B का मैं daughter बोल सकता हूँ। B का daughter मतलब A का भी daughter, क्योंकि A भी husband wife है यहाँ पे। ठीक है, मैं मार्क यहाँ पे किया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, देन हाउ इज A रिलेटेड टू D, हाउ इज, अगर D रिलेटेड टू A पूछता तो D क्या होता है, A के लिए daughter होता है। लेकिन हाउ इज A रिलेटेड टू D, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मदर हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए एंड हाउ इज
ए रिलेटेड टू डी, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डी रिलेटेड टू ए मतलब ए के लिए डी क्या बनेगा, ए रिलेटेड टू डी मतलब डी के लिए ए क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए के लिए डी क्या बनेगा, यहाँ पे डी के लिए ए क्या बनेगा, ये दो पॉइंट याद रखना है। ओके चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नाबार्ड एग्जाम पे आपका आया हुआ है, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर एग्जाम पे आपका आया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हो, डी इज द ब्रदर ऑफ के, डी इज द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ के, सॉरी नीचे कर रहे हैं यहाँ पे, डी इज द ब्रदर ऑफ के, देन एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ के, then T is the father of R, यहाँ पे दिया T, okay T is the father of R, who is the brother of M, मतलब who यहाँ पे कौन, R, ठीक है, R is the brother of M, and T is the father of R, R का father कौन लिया हूँ, T लिया हूँ, ठीक है। अब समझ में आया, D is the brother of K, M is the sister of K, T is the father of R, who is the brother of M, who means यहाँ पे कौन, R, R is the brother of M, मतलब M का भाई कौन है, R, and T is the father of R. If F is the mother of K, F, K का mother कौन है, F, then यहाँ पे question important, ये part बहुत easy important part पूछा है, then how many sons does T and F have? At least का मतलब यहाँ पे क्या होता है, minimum आपका कितना बच्चे हैं, मतलब कितना sons है, at least how many sons does T and F have? T and F have क्या हो गया, पति पत्नी बन गए। अब टी ए और एफ का कितना बच्चे आते हैं, चार बच्चे आते हैं, यहाँ पे कितना लड़के हैं, एक हुआ दो हुआ, ये इसका के का जेंडर पता नहीं है, मेल हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है। वैसे इसीलिए जब यहाँ पे कितने बच्चे आएंगे, चार आएंगे, कितने लड़के आएंगे पता नहीं, कितने लड़की आएंगे पता नहीं, एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स मतलब मिनिमम कितना लड़के आएंगे, यहाँ पे दो मिनिमम है ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा टू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर डाटा इनएडिक्वेट या फिर नॉन ऑफ दिस डाल के आते हैं बच्चे लोग, लेकिन ये गलती यहाँ पे मत करना, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट दिया हुआ है, एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स डज टी एंड एफ हैव, मतलब दो, एटलीस्ट हाउ मेनी डॉटर डज टी एंड एफ हैव, वन, एट मैक्स हाउ मेनी सन्स कैन टी एंड एफ हैव, थ्री, एट मैक्स हाउ मेनी डॉटर्स कैन टी एंड एफ हैव, टू, but how many sons I don't know, how many daughters I don't know, how many children four। अब समझ में आया ये क्वेश्चन का एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंस क्या है, ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये दो क्वेश्चन कराया हूँ और आपको लिंक में दिया हूँ, एक पीडीएफ फाइल दे दिया हूँ, वहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन अटेंड करना, जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको रिप्लाई में दे सकता हूँ, या फिर अगर होगा तो एक और भी पार्ट लेके आऊँगा जहाँ पे वहाँ का वो सारा का सारा क्वेश्चन का डिस्कस मैं फिर से कर लूँगा, ठीक है। ओके अब चलते, ये था मेरा पहला पार्ट, क्या तो डायरेक्ट डिविजन क्वेश्चन बताया था, अब मैं दूसरा पार्ट में चलता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोडेड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पी स्टार क्यू मीन्स, पी स्टार क्यू मीन्स, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, सॉरी पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब स्टार मीन्स सिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। देन प्लस मीन्स यहाँ पे दिया हुआ ब्रदर दिया हुआ है, देन डिविजन मीन्स सन दिया हुआ है, एंड माइनस मीन्स मदर दिया हुआ है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा है, टी स्टार आर प्लस वी डिविजन एस, इसमें से हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन में आपका टी एस के लिए क्या बनेगा ये पूछा है, मतलब आपको निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब T स्टार R, स्टार मतलब सिस्टर, T इज द सिस्टर ऑफ R, अब सिस्टर जहां पे है तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी T जब यहां क्वेश्चन पूछेगा यहां पे मुझे ऑप्शन मिल गया क्या, आइदर aunt होगी, सिस्टर होगी, मदर होगी, लेकिन मेल वाला पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। ओके देन दूसरा पार्ट देखेंगे, T इज द सिस्टर ऑफ R, देन R प्लस V, R इज द ब्रदर ऑफ V, R is the brother of B, यहाँ पे दे plus means plus में आ, यहाँ पे क्या दे brother of B, R is the brother of B, वैसे ना B division S plus मतलब B is the son of S, B is the son of S, वैसे पहले देखिए T is the sister of R, R is the brother of B, B is the son of S, मतलब B is the son of S, यहाँ पे S है, S का तीन बच्चा है, एक ये T लड़की हुई, R लड़का हुआ, B भी लड़का हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब how is T related to S, T S के लिए क्या बनेगी,
डॉटर बन जाएगी। लेकिन हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता तो क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एस का यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं है। तो इसीलिए आप पूछते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन इन नॉन ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया, नॉन ऑफ दिस यहाँ पे बन गया। अब समझ में आ रहा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देन हाउ इज टी रिलेटेड टू एस इन द एक्सप्रेशन। फिर से एक नया ये दिया हुआ है, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस इन द एक्सप्रेशन, टी स्टार आर डिविजन बी माइनस एस, ये दिया हुआ है। अब अगर ये देखेंगे टी स्टार आर, मतलब टी इज द सिस्टर ऑफ आर, आर डिविजन बी मीन्स आर इज द सन ऑफ बी, बी माइनस एस, बी माइनस एस मीन्स बी इज द मदर ऑफ एस, मतलब बी इज द मदर ऑफ एस। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस के लिए क्या बन जाएगी, टी सिस्टर। इजीली मेरा आंसर आ जाता है। अब समझ में आ रहा है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन था, ध्यान दे। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, टी स्टार आर माइनस बी डिविजन बी माइनस एस, तो टी एस के लिए क्या बनेगी, यहाँ पे हो गया बैन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया, टी प्लस आर डिविजन बी माइनस एस, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। अगर यहाँ पे याद रखिए, जो एक्सप्रेशन टू रिलेशन क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ पे एस का जेंडर आपको पता लगाना है तो टोटल सॉल्व करना, लेकिन जो पूरा लास्ट में होता है उसका जेंडर कभी नहीं निकाल पाएंगे, 0.01% में ही निकाल पाएंगे अगर वहां पर हस्बैंड वाइफ का केस हुआ। अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर पूछते हैं हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब समझ में आ रहा है कैसे मैं क्वेश्चन आंसर निकाल रहा हूँ, बहुत इजी वे, इजीली हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं चलूंगा इंडिकेटिव और पॉइंटिंग रिलेशन क्वेश्चन में। अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान दे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। यहाँ पे मुझे देखना है एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। वैसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टी प्लस आर माइनस बी एस, टी प्लस आर माइनस बी प्लस एस, सॉरी टी स्टार आर माइनस बी प्लस एस। ये आपका अगर मैं पहला लूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, टी इज द हस्बैंड ऑफ, सॉरी एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस इज द हस्बैंड, हस्बैंड अगर यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे लास्ट है, लास्ट में अगर आंसर निकल पाएंगे क्या। ओके ठीक है, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, टी प्लस आर मीन्स टी स्टार आर मीन्स टी इज द सिस्टर ऑफ आर, आर माइनस बी मीन्स आर इज द मदर ऑफ बी, आर इज द मदर ऑफ बी, बी प्लस एस मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ एस, बी इज द ब्रदर ऑफ एस। यहाँ पे टी एस का हस्बैंड होता है क्या, यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं भूल गलत कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे अगर आप सेकंड ऑप्शन देखूं तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया, टी माइनस एस, सॉरी टी माइनस आर डिविजन बी स्टार एस। यहाँ पे देख लेते हैं, टी माइनस आर मीन्स टी इज द मदर ऑफ आर, वैसे यहाँ पे दिया टी इज द हस्बैंड ऑफ, सॉरी एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। ओके, टी माइनस आर मतलब टी इज द मदर ऑफ आर, आर डिविजन बी, आर डिविजन बी मीन्स टी, आर इज द सन ऑफ बी, आर इज द सन ऑफ बी हो गया, तो यहाँ पे बी एंड टी हस्बैंड वाइफ हो गया, यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये गलत हो गया। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा ये पे ऑप्शन पे, यहाँ पे दिया हुआ है टी माइनस आर प्लस बी डिविजन एस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर मैं बोल सकता डायरेक्टली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कैसे, टी माइनस आर मीन्स टी इज द मदर ऑफ आर, टी इज द मदर ऑफ आर, आर प्लस बी मीन्स आर इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड बी डिविजन एस मीन्स बी इज द सन ऑफ, बी इज द सन ऑफ एस। अगर अगर बी इज द सन ऑफ एस, ये दोनों भाई हो गए, टी हुआ मदर तो एस क्या बन जाएगा, फादर, तो ये हो गया एस एंड टी हस्बैंड वाइफ। तो ऑप्शन सी से मैं बोलता हूं एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, यहां पे मुझे मिल गया। आप समझ में आ रहा है, ये था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट सेशन में आपके लिए कराया था, दो टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूँ तीसरा टाइप का क्वेश्चन में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा ये एनी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलता हूँ तीसरा पार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, समझने के लिए वीडियो के अंदर जरूर देखते रहना। ठीक है, और लाइक शेयर दबाते रहना। ठीक है, अब चलता हूँ ब्लड रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या फिर मैं चलता हूँ तीसरा पार्ट, जो कि मैं पूछता हूँ पॉइंटिंग रिलेशन क्वेश्चन, पॉइंटिंग रिलेशन क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन दिया रहता है पहले जान लीजिए।
यहाँ पे जब क्वेश्चन दे रहे थे पॉइंटिंग टू समवन, मैं एक लड़का को देख रहा हूँ, वो लड़का को देख के बता रहा हूँ कि वो लड़का कौन है, मेरे 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 मम्मी का, भाई का, पापा का, लड़का का लड़का है, मतलब मेरे मम्मी का, भाई का, पापा का, लड़का का लड़का, मतलब मेरे मम्मी, मम्मी का भाई मतलब मामा, मामा का पापा मतलब नाना, नाना का बेटा मतलब फिर से मामा, मामा का लड़का मतलब मामा का लड़का मतलब कौन हुआ, कजन हुआ। ऐसे ही एलाबोरेटेड केस में आपका दे रहता है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पॉइंटिंग टू ए गर्ल अमित सेड, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स सन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक लड़की को पॉइंट करके कौन बोल रहा है, अमित बोल रहा है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स सन, देन हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अमित, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो लड़की अमित को, अमित के लिए क्या बनेगा। अब देखिए ये एक्चुअल क्वेश्चन वाला पार्ट है ये, और एक बात, पॉइंटिंग अगर रिलेशन क्वेश्चन आता है तो आप फैमिली ट्री को भूल जाइए, फैमिली ट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको ट्रिकी और परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूट करते चलना, मतलब सी मतलब यहां पे कौन है, द गर्ल, तो डायरेक्टली यहां पे मैं पुट कर सकता हूं द गर्ल इज द ओनली डॉटर। और एक बात, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना, डायरेक्टली आपका रीजनल लैंग्वेज में चेंज कर लेना, जैसे कि इंग्लिश टू मैं हिंदी बोल देता हूं, वो लड़की कौन है, एकमात्र लड़की है और बेटी है किसका, मेरे ग्रैंडफादर का सन। अभी यहाँ पे ग्रैंडफादर मतलब क्या, मैं पहले ही बोला हूँ जब ब्लड रिलेशन दिया था, पढ़ा रहा था, मैं बेसिक चैप्टर्स पढ़ा रहा था, तो अगर वहां पे कुछ भी नहीं दिया तो मुझे क्या कंसिडर करना होगा, पैटर्नल मतलब दादाजी, मेरे दादाजी का बेटा का एकमात्र बेटी, मतलब मेरे दादाजी का बेटा का एकमात्र बेटी। वैसे मेरे दादाजी का कितने बेटे हैं पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेरा दादाजी का बेटा मतलब मुझे यहाँ पे मैं जो बोल रहा, मैं मतलब यहाँ पे कौन, अमित, अमित के लिए मैं यहाँ पे खुद सब्स्टिट्यूट किया हूँ। ठीक है, मेरे दादाजी का लड़का मतलब माय फादर, मेरे पापा हो सकते हैं या फिर मेरे अंकल भी हो सकते हैं। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सी मतलब कौन, वो लड़की, लड़की हुई एकमात्र बेटी किसकी, मेरे पापा की। अगर मेरे पापा की एकमात्र बेटी हुई तो मेरा क्या बनेगी, सिस्टर बन जाएगी। तो अमित के लिए क्या बन जाएगी, सिस्टर बन जाएगी। या फिर मैं अगर यहाँ पे अंकल कंसीडर करता हूँ, चाचा कंसीडर करता हूँ, चाचा की एकमात्र बेटी मतलब मेरे क्या बन जाएगी, कजन बन जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, सिस्टर और कजन हुआ। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते चलना, आप इजिली आंसर निकाल लेंगे। वैसे दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, pointing to Sudha, Ranjan said, her mother is sorry, यहाँ पे ये हो गया, pointing to Sudha, Ranjan said, her mother is the only daughter. Her mother is the only daughter of my mother. Her mother's only daughter is my mother. यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन गलत लिख लिया था, यहाँ पे दिया हुआ है pointing to Sudha, Ranjan said, her mother's only daughter is my mother. Then how is Ranjan related to Sudha, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आंसर निकालना है। वैसे कौन बोल रहा है, रंजन बोल रहा है, किसको पॉइंट करके, सुधा को पॉइंट करके। तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, हर मतलब सुधा, ओके, यहाँ पे सुधा मेल हुआ या फिर फीमेल हुई, फीमेल, क्योंकि यहाँ पे हर, ओके, सुधा
मदर्स अभी सुधास और मदर सुधास सब चूज करना है सुधा के माँ के एकमात्र बेटी मतलब फिर से कौन है सुधास मदर्स ओनली डॉटर इज मतलब फिर से यहाँ पे क्या बन गई सुधा कौन आया यहाँ पे सुधा सुधा की माँ के एकमात्र बेटी मतलब फिर से वही सुधा को ही इंडिकेट करता जा रहा है ठीक है सुधा मदर्स ओनली डॉटर मींस यहाँ पे मैं सुधा को पुट कर सकता हूँ इज माई मदर यहाँ पे कौन बोल रहा है रंजन मतलब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ रंजन मदर मतलब सुधा इज रंजन मदर तो यहाँ पे हाउ इज रंजन रिलेटेड टू सुधा आंसर क्या हो जाएगा रंजन क्या हो जाएगा सन हो जाएगा आपके लिए अब समझ में आ रहा है बहुत इजी है बहुत मतलब बहुत इजी है ये सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आंसर निकालना है सिर्फ 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 देख के ही आंसर निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे यहाँ पे फैमिली ट्री मत यूज करना अदरवाइज आप यहाँ पे कंफ्यूज होना जरूरी मतलब कंफ्यूज होना श्योर है ठीक है और एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इवन वो मैक्सिमम टाइम वो बैंक एग्जाम में आया हुआ है इंट्रोड्यूसिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन Introducing a man to her husband, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. Then how is the woman related to the man? यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है Then we introduce a man to her husband. The woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. Then यहाँ पे how is the woman related to the man? यहाँ पे मुझे आंसर निकालना है His brother's मतलब his brother's father बोलना जो होगा his father बोलना वही होगा His father मतलब introducing a man to her husband a woman से एक आदमी को introduce कर रहा है किसके साथ उसके husband के साथ और क्या बोल रहा है उसको husband को कि इसका भाई का पापा मतलब इसका पापा इसका मतलब man's father मैं पूछता हूँ इस man का भाई का father जो है man का भी father वही है ठीक है उसका भाई का पापा मतलब उसका पापा father is the only son of my grandfather मतलब मेरे दादाजी का एकमात्र बेटा मतलब कौन माय फादर द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर मतलब माय फादर ठीक है इसका मतलब मेंस फादर इज माय फादर यहां भी हो गया जब सब्स्टिट्यूट करता हूं क्या आया मेंस फादर इज माय फादर वो आदमी का पापा जो है मेरा भी पापा वही है अब वही है मतलब ये दोनों क्या बन जाएंगे भाई बहन बन जाएगा तो यहां पे दिया हुआ है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन आंसर क्या आ जाएगा आपका आपका आंसर आ गया सिस्टर अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपको आपको आ जाता है ब्रदर ठीक है आप समझ में आ रहा है तो ऐसे आपका क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं अगर होगा अगर आपका कमेंट आया तो मैं जानू मुझे पता है कि और भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ वैसे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन का ब्लड लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का About 20 to 25 questions I will give you. Try करना अगर समझ में नहीं आया तो comment करना वहाँ पे मैं बता दूँगा ठीक है अगर होगा तो मैं और एक part लेके आऊँगा जहाँ पे वो सारा question का solution लेके आ जाऊँगा तब तक के लिए enjoy कीजिए घर में रहिए पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए जिस सारा जितना का सारा आपका exam आएगा उसको crack करने के लिए mindset कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद